नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल पर रेगुलर बेस पे वीडियोस आती रहती है, आप शोज देखते हैं, आप लाइक करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक रेगुलर बेस पे पहुंचती रहे। और अगर कैनेडा का जैन 22 इंटेक अप्लाई करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 9041090410। सो कैनेडा रिजल्ट को लेके, PBR स्टार्ट को लेके बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि कब स्टार्ट होंगे, कब रिजल्ट आएंगे, कब PPR आएगी। तो इसका आंसर जो है वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। हाँ, इसका आंसर डायरेक्टली जो मिला है वो IRCC, अगर आपने वेबिनार भी अटेंड किए हैं तो उसमें से काफ़ी चीज़ें क्लियर होगी कि क्या रीज़न था कि PPR स्लो क्यों थी। अब बात करते हैं कि स्लो क्यों थी, फिर बात करेंगे कि अब फास्ट कब होगी। तो स्लो का रीज़न वही था कि उन्होंने कहा था कि वीज़ा स्टैंपिंग जो है वो रुकी हुई है, यही इकलौता कारण है जिसकी वजह से PPR वो होल्ड करके बैठे। वीज़ा ऑफिसर ने कहा कि हमने होल्ड किया है, और बाद में अगले वेबिनार उन्होंने क्लियर कहा था कि हम नेगेटिव रिजल्ट होल्ड नहीं करें। तो जैसा मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा था कि अगर ज़्यादा रिफ्यूजल आ रहे हैं तो उसका कारण यही है कि रिफ्यूजल को होल्ड करने का कोई फायदा नहीं। अगर नेगेटिव रिजल्ट रेडी है उसको होल्ड कोई क्यों करेगा, क्या जरूरत है उसको होल्ड करने की, वो रिलीज कर देंगे रिजल्ट। लेकिन पॉजिटिव रिजल्ट अगर रेडी है तो वीज़ा स्टैंपिंग नहीं, तो इसलिए उसको होल्ड किया जा सकता है। तो यही कारण था, वीज़ा ऑफिसर ने भी कहा कि हमने होल्ड किए हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि PPR नहीं आ रही। आप भी एग्री करेंगे कि लिमिटेड वे में कुछ बच्चों को रेगुलर बेस पे PPR आ रही है, तो मतलब स्लो चल रहा है सिस्टम। अब दोबारा से फास्ट कब होगा, दोबारा से स्टार्ट कब होगी, तो इसका एक लौता आंसर है वीज़ा स्टैंपिंग का सेकेंड स्टेज का ओपन होना। जी हाँ, सेकेंड स्टेज में बात कर रहा हूँ कि जो पहले था कि जिनकी मई में वेब फॉर्म भरे थे उन्हीं को बस पेमेंट के लिए आगे ऑप्शन आ रहे थे, उनके कोरियर सर्विस चल रही है, वीज़ा स्टैंप हो रहे हैं। लेकिन सेकंड स्टेज कब ओपन होंगे, तो जो मेरा आइडिया है 20 जुलाई के आसपास हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देखें, मैं उम्मीद करता हूं कि जब आप ये वीडियो देखें उस तक ओपन भी हो जाएगी, अनाउंसमेंट एटलीस्ट आ चुकी हो। लेकिन नहीं भी आएगी तो वेरी सून आपको अनाउंसमेंट आ जाएगी, और इस जुलाई के एंड से पहले पहले, अगर लेट भी होता, हम लेट भी मान लें कि कितना लेट होगा, तो इस जुलाई को आप नोट कर लें, इस जुलाई को खत्म होने से पहले पहले वीजा स्टैंपिंग सेकेंड स्टेज की डेफिनेटली 100% स्टार्ट हो जाएगी। उसका रीजन है फॉल इंटेक में कम टाइम, फॉल इंटेक में टाइम नहीं बचा। आप खुद सोचें, अगर वो जुलाई में भी स्टार्ट नहीं करेंगे तो जितने उनके पास PPR होल्ड में है उन सभी की स्टैंपिंग कैसे अगस्त में पूरी हो जाएगी। तो इसलिए जरूरी है वीज़ा ऑफिस जो काम करता है, अगर उसका पुराना पैटर्न देखे तो हर नई अपडेट जो होती है 2-3 वीक के अंदर अंदर आ जाती है सेकंड स्टेज, जब भी हम चाहे बायोमेट्रिक की बात कर लो, चाहे कोई भी सिनेरियो। तो अब ऑलमोस्ट 2 वीक होने वाले हैं फर्स्ट स्टेज वीज़ा स्टैंपिंग स्टार्ट हुई, उसकी अनाउंसमेंट आए, तो हो सकता है कि बहुत जल्दी, अगर अभी तक नहीं आई आपके पास अनाउंसमेंट, तो बहुत जल्दी वीज़ा स्टैंपिंग अनाउंसमेंट आ जाएगी। जो सवाल है आपके कि PPR कब आएगी, PPR कब आएगी, तो अगर नहीं भी आ रही तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि एटलीस्ट आपका रिजल्ट नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव होता तो अब तक आपको रिफ्यूजल मिल चुका होता। तो आज की डेट में रिजल्ट ना आना भी एक पॉजिटिव साइन है कि BVL आ रहे हैं, रिजल्ट हो सकता है आपका रेडी, और हो सकता है आप भी लकी बंदे हो जिनका रिजल्ट पॉजिटिव रेडी है लेकिन PPR होल्ड किया हुआ है। तो रिजल्ट अगर वेट कर रहे हो, रिजल्ट का अगर इंतजार कर रहे हो, तो ये भी अच्छी बात है कि आपका रिजल्ट अभी नहीं आया, क्योंकि रिजल्ट की बात करते तो रिजल्ट नेगेटिव ज़्यादा आए हैं शुरू के सिनेरियो में। तो अभी तो बच्चे भी कह रहे हैं कोई बात नहीं 10 दिन बाद में आ जाए, लेकिन हमें PPR ही आए। सो डोंट वरी, वेट फॉर अ लिटिल वाइल, अभी थोड़े टाइम के लिए और वेट करें, इसके बाद आपको अपडेट आ ही जानी है, और वीज़ा स्टैंपिंग के स्टार्ट होते ही PPR भी फास्ट हो जानी। सो डोंट वरी, रिजल्ट को लेकर टेंशन ना ले। IRCC ने वेबिनार में भी कहा है, वेबसाइट पे भी कहा है कि हम अपनी स्टेटमेंट पे कायम है जी, 15 मई से पहले वाली फाइल को 6 अगस्त से पहले रिजल्ट दे देंगे। इतना कॉन्फिडेंस तभी आता है जब डिसीजन काफ़ी हद तक रेडी हो, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। सो आने वाले टाइम में अब PPR ही दिखेगी, डोंट वरी, टाइम निकल गया पुराने वाला, अब रिफ्यूजल जो आनी थी आ चुकी है। अब होप्स हो कि 90% से ज़्यादा जिनके BVL आ चुके हैं उनको वीज़ा ही मिले, क्या 100% को ही वीज़ा मिले। सो मेरी यही दुआ है कि सभी को वीज़ा मिले। सो ऐसी अपडेटेड वीडियो के लिए, आप इसी पॉजिटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ऐसी वीडियो रेगुलर चैनल पे आती रहेगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।